अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में ना हम लोग कुछ अलग करेंगे। आज की वीडियो में ना ही फार्मूला होगा ना ही लैम्बोर्गिनी होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग चुराने वाले हैं हेलीकॉप्टर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही सुना। आज की इस वीडियो में हम लोग चुराएंगे हेलीकॉप्टर और उसे चुरा के उड़ाएंगे, उड़ा के चुराएंगे। यार मैंने क्या बोला? चुड़ा के उड़ाएंगे, उड़ा के चुड़ाएंगे। खड़ा हटाओ गाइस, इतना ना बातों के ना गहराई में नहीं जाते। अभी सबसे पहले घर के बाहर चलते, ठीक है? तो अभी मेरा घर का गेट बंद कर देते हैं क्योंकि चोर लोग बहुत हो गए आजकल, सब मार खाएंगे मेरे हाथों से। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या मैं अपने गाड़ी से जाऊँ वहाँ पर मेरा गाड़ी तो भूल भी सकता है। और हमको मेरा गाड़ी से बहुत प्यार है, हम नहीं चाहते कि मेरा गाड़ी भूले। पर हम और किससे जा सकते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। आइडिया, आई हैव एन आइडिया। देखो गाइस, मेरे जो नेबर है ना, वो अभी है नहीं, वो कहीं बाहर गए, तो हम उनका गाड़ी तो चला ही सकते। वैसे भी वो मेरे नेबर है, इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। तो मेरे नेबर का, अरे तो मिस्टर बीन का गाड़ी है, ओके तो वो वाला गाड़ी अच्छा। अरे बेटे कार है, अरे हमसे आधा लंबा है, अरे इसका आग देखो बेटे। पहली फुर्सत में निकल जा, पहली फुर्सत में बहुत मार खागा, अच्छी निकल। ओके गाइस, तो ये वाला गाड़ी हम ले लेते हैं और बैठ जाते हैं इसके अंदर। और इस गाड़ी के पीछे क्या लिखा है? स्लेव 420। और अभी हम इस आदमी को मारे तो मेरे पीछे पुलिस नहीं लगा, ये तो पूरे हिस्ट्री में पहली बार हुआ यार। दया पता करो, ये कैसे हो गया? क्या डरा गाइस, इस गाड़ी के पीछे स्लेव 420 क्यों लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और गाइस मुझे ये पता चला कि 80% आदमी लोग मेरा वीडियो देख के चल जाते हैं, वो ना ही लाइक करते ना ही सब्सक्राइब करते। तो अभी का भी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। बेल आइकन को दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं जब भी माइनक्राफ्ट का वीडियो डालता हूँ तो आप लोग उसको देखते क्यों नहीं हो? क्या आप लोगों को माइनक्राफ्ट पसंद नहीं है? कि माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा डरावना है, मसला क्या है? नहीं, लिटरली मसला क्या है? अगर आप देखना चाहते हैं मैं माइनक्राफ्ट का वीडियो, तो ये आई बटन में आ गया होगा, जाओ देखो, बहुत मज़ेदार वीडियो थी। और हम इतना ऊंचा जंप मारे मॉन्स्टर ट्रक से, बाप रे बाप, इतना ऊंचा जंप तो मास्टर कभी नहीं मारे इस गेम के अंदर। भाई आप लोग मुझे बताइए, ये वाला जंप कैसा लगा? क्या आप लोग ऐसा जंप मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? आप लोग मुझे बताओ प्लीज। और याद से मेरा जाओ माइनक्राफ्ट का वीडियो देखो, माइनक्राफ्ट का सीरीज बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। अगर आप लोग इस गेम से बोर हो गए होंगे तो माइनक्राफ्ट देखो। मालूम है गाइस, हम सोचे थे कि अब हम माइनक्राफ्ट खेलेंगे, GTA 5 खेलेंगे, पर आप लोग मुझे व्यूज देते नहीं हो तो हम नहीं खेलेंगे। अगर आप लोग मुझे व्यूज देते माइनक्राफ्ट और GTA 5 में, अगर माइनक्राफ्ट में देते ना, तो हम अपना GTA 5 का सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से अगर मेरे माइनक्राफ्ट वाले वीडियो में 40K व्यूज आ गया, जो हम आगे डालेंगे, या फिर पुराने वाले में 40K व्यूज एक दिन में, तब हम उसी दिन के 2 दिन बाद से GTA 5 स्टार्ट कर देंगे, 2 दिन बाद से या फिर 3 दिन बाद से, पर स्टार्ट करेंगे। और जो आप लोग बोलोगे वो गेम स्टार्ट कर देंगे, बस आप लोग बोलना मुझे। खैर अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते गाइस, मैं आप लोगों को ये क्या बताऊँ यार, ये गाड़ी का स्पीड इतना अच्छा है ना, ये गाड़ी सबसे बड़ा गाड़ी भी है इस पूरे गेम में। मतलब कि इस गाड़ी का बात ही कुछ और है, इससे बड़ा गाड़ी तो होगा नहीं इस पूरे गेम में। पर यहाँ पर एक तो ट्रक भी रहता है ना, डूट ट्रक ऐसी कुछ नाम है, तो सामने ही है। बाप रे बाप, ये तो इस गाड़ी से भी ज़्यादा बड़ा है यार, ये कैसे हो सकता है? इस गाड़ी से भी बड़े बड़े गाड़ी आ गए इस गेम के अंदर यार, अपडेट में तो हर चीज़ चेंज हो गया। क्या रहा, उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं मिलिट्री बेस, मतलब कि एरिया 51, क्योंकि एरिया 51 के अंदर है मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस में है हमारा प्यारा सा हेलीकॉप्टर। और यार मेरा गाड़ी हमेशा, अरे बाबू राव मेरा ये गाड़ी कहाँ पलटता है? अरे बाबू राव, जब देखो तब पलटू पलटू हो जाता है मेरा गाड़ू यार, तो एक नंबर का पलटू है। और गाइस ये कैसे चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो भाई साहब ये कैसे घूम रहा है अपने आप? यार ये वाला टेक्निक तो हम आज पूरा लाइफ में अपना पहली बार देख रही है, कैसे घूम रहा है वो भाई साहब? कहते ये तो एकदम वो यो नहीं, क्या बोलते, बेबलेट की तरह घूम रहा है यार। इसके आस पास जो भी है तो मर जाएगा। कितना बड़ा बड़ा इस गाड़ी का चक्का है, मतलब कि यार मैं क्या ही बोलूँ, इस गाड़ी का चक्का मेरे हाइट का होगा। नहीं लिटरली गाइस मेरे हाइट का होगा, आई थिंक से हो ही सकता है, क्योंकि आप देख ही लो इतने बड़े बड़े चारों चक्के हैं। अगर चारों चक्का के एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो ये तो पूरा बिल्डिंग के हाइट का हो जाएगा। नहीं नहीं उतना भी नहीं होगा, पर तब भी बहुत हद तक हो जाएगा। और भाई लोग हम लोग एरिया 51 तो एंटर कर लिए, तो अभी अंदर चलते हैं। और आप लोग को तो पता ही कि हम अंदर जाके क्या करने वाले। अंदर जाके अभी सबसे पहले हम चीट कोड एक्टिवेट करेंगे, मून ग्रेविटी, जिससे हम कूद के हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाएंगे। और मुझे पता ही कि मेरे पीछे 5 स्टार पुलिस तो लगने ही वाली है। खैर अभी चीट कोड एक्टिवेट करते हैं। भाइयों हो गया है चीट कोड एक्टिवेट, तो अभी चलते हैं हमारे, यार हम गिर गए नीचे, ओके तो वापस से ऊपर चढ़ गए। और हमारे हेलीकॉप्टर, हमारी क्या मतलब कि हम लोग का मिलिट्री वाला हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा है, तो इसको उड़ाते कैसे गाइस? ये उड़ता कैसे? एक ठो लेफ्ट साइड वाले से आई थिंक से ऊपर जाता है और राइट साइड वाले से दाएं बाएं जाता है, हमको समझ आ गया। और पुलिस नहीं लगा
यार ये मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम मिलिट्री बेस के अंदर गए, वहाँ से कुछ चुराए और पुलिस नहीं लगा। पहला या फिर दूसरा बार होता होगा, मतलब कि ऐसे जल्दी देखने को मिलता नहीं है। और इसमें से बम भी छूटता है यार, ये ग्रेनेड मार रहा है क्या? और सब हेलीकॉप्टर से हम रॉकेट लॉन्चर निकलते हुए देखे, पर ये वाहिद अकेला एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर से हम ग्रेनेड निकलता हुआ देख रहे हैं। मतलब कि अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं क्या ही बोलूँ, मैं अलग ही एक्सपीरियंस है। और मुझे समझ नहीं आ रहा इसको यहाँ से वहाँ ले जाने में कितना टाइम लग जाएगा। देखने से तो लग रहा है कि मुझे आधा घंटा लगने ही वाला है। खैर गाइस, तो मैं आप लोग से तभी मिलूंगा जब हम दूसरा शहर पहुँच जाएंगे। पायो पायो पायो, यार मैं बोलता क्या मुझे समझ नहीं आता। खैर आओ, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग पहुँचने वाले हैं अपना शहर। और गाइस मुझे रास्ते में मिल गया ये वाला क्रूज, आप इसको क्रूज ही बोल सकते हैं। वैसे एक मालगाड़ी नहीं पता ये क्या है, पर कुछ ना कुछ तो है। और इसके ऊपर हेलीपैड भी है। तो हम अपने आप को ये चैलेंज दे रहे हैं कि हम ये हेलीकॉप्टर को उड़ा कर उस हेलीपैड के अंदर हमको पार्क करना है। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो शिप तो चल रही है। अगर वो शिप कहीं पर रुकी हुई रहती तो हम कर लेते हैं, पर एक चलती हुई शिप के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर रखना बहुत हार्ड है, और ऊपर से हेलीकॉप्टर का कंट्रोल्स भी बहुत हार्ड है। नहीं गाइस, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ यार। फालतू का बेइज्जती फेज्जती हो जाएगा तो आप लोग हंसोगे मेरे ऊपर, बोलोगे नोबड़ा 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 नोबड़ा। इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ करने का। ओके गाइस, तो अभी यार कतई तो चल रहा भी है यार ये हेलीकॉप्टर। हाँ चल रहा है, हमको लगा था कि ये चल भी ना नहीं है, मतलब कि इतना आस्ते आस्ते चल रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। और पता नहीं कब मेरा हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट होगा। हमको पता है कि होने वाला है, क्योंकि हम इतने अच्छे ड्राइवर तो है नहीं हेलीकॉप्टर के हम उड़ा लेंगे। खैर हमको उससे कुछ है नहीं, हम तो बचने ही वाले। हो पार्क पार्क हो जा, पार्क हो जा, हो गया। मतलब कि गाइस मेरे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा होता है। इतना मेहनत से मिलिट्री बेस से यहाँ तक लाए, पर हम स्टील तो कर लिए, स्टील करना था हम कर लिए, हम अटक भी गए। माशाल्लाह हम अटक भी गए थे यार। मेरा हेलीकॉप्टर अटक गया, उसका सिर्फ पंखा दिख रहा है यार। मेरा पूरा हेलीकॉप्टर कहाँ गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि हो गया मेरे साथ लॉस्ट। तो अब तो कुछ करने को बचा ही नहीं है, बस मज़ा कर सकते हैं। तो ओहो, ये पुलिस वाले का हेलीकॉप्टर है यार। एक तो वहाँ गिरा, एक तो यहाँ गिरा। और इस पुलिस वाले का हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना हल्का है कि हम उसको पैर से मार के फुटबॉल की तरह भगा ले रहे। सोचो सोचो, आई हैव सो मैनी पावर्स, पावर्स पावर ही पावर है भैया। भाई हो, हम ये सोच रहे हैं, मतलब कि मेरे मन में बहुत दिनों से ख्याल आ रहा है कि पागल खाने में कोई नया माल आ रहा है। जोक पसंद नहीं आए? जोक पसंद नहीं आया क्या यार? आप लोग इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? वैसे मुझे पता है आप लोग गुस्सा नहीं होंगे, और हम फिर से बोलेगा इस माइनक्राफ्ट का वीडियो देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो था। पर आप लोग मुझे व्यूज़ दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिए यार? मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ यार। अब देखो गाइस, मेरे पास कुछ खास है नहीं करने का, तो हम क्या सोच रहे, सबसे पहले अभी चला जाए डूड जिम और वहाँ पर तबाही मचाया जाए। इस बार हम गाड़ी से को नहीं मारेंगे, इस बार हम अपने ताकत से ग्रेनेड अंडर रख देंगे और सब फटके मर जाएंगे। बहुत मज़ा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो दो ग्रेनेड तो काफ़ी है 10-6 लोगों के लिए। ओके, तो धमाका अच्छा खासा हो गया, और मुझे लगता है कि बहुत लोग बेचारे अपनी जान को खो बैठे हैं। और यार ये पुलिस वाले इतने तेज कैसे आ जाते हैं? पर पुलिस वाले तुम लोग मेरा कर क्या लोगे? मेरे पास डूड बोल्ड है, मून ग्रेविटी है, मेरे पास ही तो हर कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बच्चे लोग, बाछा लोग, पहले फुर्सत में निकलो। और ऑटो रिक्शा जो तो चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब कि कोई 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 इज्जत रह गया इस गेम का। जहाँ देखो वहाँ ऑटो रिक्शा, जहाँ पर नॉर्मल गाड़ी। और यार भैया मिनी गन ली है, तो मेरा स्पीड के वास्ते हो गया यार। ये सब क्या सेटिंग है यार। ये डूबर, यार हमने डूबर को खरीद सकते हैं क्या? आई थिंक सो हम लोग खरीद सकते हैं, पर डूबर का टैक्सी तो अब रहा ही नहीं, तो खरीद के क्या फ़ायदा? अभी फट गया बेचारा टैक्सी। और यार ये पुलिस वाले, नादान पुलिस वाले, अपने आप को समझते क्या बेचारे सब? आखिरकार मरी गए वो भाई सब, कितना दूर फेंकाया वो पुलिस वाला। खैर हमको उससे कोई मतलब तो है नहीं, हमको बस थोड़ा सा अपना वीडियो को लंबा करना है कि हमको वॉच टाइम मिले। और वॉच टाइम मिलेगा तो समझ रहे हो ना, व्यूज़ मिलेगा ज़्यादा, और ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा तो समझ रहे हो ना आप सब। और यार ये रिची हर बार लगातार पार पार उठ के, मतलब कि उड़ के गिरता ही क्यों रहता है? मतलब कि रिच ही क्यों उड़ के गिरता रहता है? ओहो भाई साहब, वो टैक्सी, वो देखिए आप, पुलिस वाला गाड़ी कैसे मार दिया अपने ही पुलिस वाले को। मतलब कि वो गाड़ी चला रहा था, कहते ना पागल लोग के साथ तो गाड़ी वाड़ी चलाते, कुछ अकल वकल तो है नहीं इन लोग के अंदर। कहाँ पर था? अच्छा यहाँ पर है बेटे। अच्छा पुलिस का गाड़ी वहाँ पर है। तुम सब निपटोगे भाई साहब, तुम सब निपट जाओगे। आखिरकार निपट ही गया। गाइस देखो, आप लोग मान ही लो कि मैं प्रो हूँ यार, क्यों नहीं मानते हो? मान लो, ये मान लो, जानते नहीं हो क्या? इस पूरे गेम का बस एक ही प्रो हूँ मैं, एक ही प्रो है और वो हूँ मैं। यार देखो,
अब मैं क्या ही बोलूँ, हटाओ यार, कभी कभी बाद में बताऊँगा, एक एक सीक्रेट है, ठीक है, क्या हटाओ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक है पुलिस वाला गाड़ी था, तो उसको भी मैंने मार दिया। ये सब जो अमेजिंग स्किल्स हैं ना मेरे अंदर यार, ये सबके अंदर नहीं पाए जाते। रॉकेट लॉन्चर से मारना, आप लोग मार लोगे क्या? ऐसे उड़ उड़ के नहीं मार पाओगे, मुझे पता है। और गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि पुलिस वाले कब ख़त्म होंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर वक्त आ जाते हैं, हर वक्त इन लोग को आकर मेरे सामने लगना है। आई थिंक सो हम लोग को वीडियो को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ बचा तो है नहीं, बस पुलिस लोग को मारना ही है। तो ठीक है ब्रदर्स, आज के लिए बस, नहीं नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा और वीडियो लंबा कर दे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ना मेरा। और यार तू रुक जा रे पुलिस वाले, या मेरा एनर्जी आज पहली बार ख़त्म हो रहा है पुलिस वाले को मारने में। मतलब कि इतना ज़्यादा भी हम कभी शान से मारते नहीं है, ये पहला पुलिस वाला है जो लकी है, क्योंकि आज मेरा उतना मूड नहीं इन लोग को मारने का। बस थोड़ा सा वीडियो को लंबा करने से मैं ऐसा कर रहे, वरना कब का मैं इन लोग को मार के फेंक दिए होते। ओके तो अब बस बस गाइस, बस 1.5 मिनट और 1.5 मिनट बाद वीडियो एंड हो जाएगी। और मुझे पता है आप में से तो बहुत लोग वीडियो मेरा छोड़ ही दिए होगे देखना, और बहुत लोग देखते होंगे जो अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग मेरा ट्रू फैंस है, दे आर माय ट्रू फैंस। उन लोग को मेरे तरफ से प्यार भरा प्यार, एक बिग लव, बिग लव। यार मैं क्या बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। खैर डाल से उतना बकने का नहीं है, जैसा कि आप देख सकते क्रेज़ी लिखा हुआ है, तो यार हमको ये क्रेज़ी समझ रहा है, क्रेज़ी मतलब तो पागल ना होता है, ये इनडायरेक्टली वाली गेम हमको पागल बोल रहा है। इट्स दिस गेम इज सेइंग मिस्टर रयान आप पागल, इज दिस गेम अ स्टूपिड, वॉट ही थिंक ही कैन बेरली टेक माई नेम एंड टेल मी क्रेजी एंड वॉट आई एम टॉकिंग आई डोंट नो आई कैन अंडरस्टैंड वाई आई टॉक दिस टाइप ऑफ इंग्लिश यार आई एम अ डल पल मल चल गम गम बम बम। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि कुछ भी, मतलब कि कोई लिहाज ही नहीं है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, अब मैं क्या ही बोलूँ यार, हर चीज़ बदल गए हैं। तो क्या बोलते यार, पीछे से गाड़ी यार, ओहो ठोका पर कुछ हुआ नहीं हमको यार, ये तो बहुत सही तरीका पुलिस लोग से बचने का। खैर गाइस सो तो अभी मैं इन लोग को लास्ट मार दूँ, उसके बाद वीडियो को एंड कर दिया जाएगा। 1 2 3 यार ये पुलिस वाला बच गया यार, इन लोग के पास ताकत आता कहाँ से यार, ताकत आ जाते हैं इन लोग के ऊपर इतना ज़्यादा। ओके तो मर जा बेटे बेटे, हाँ मर गया। चलो गाइस तो आज के लिए बताइए, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, विश यू हैप्पी मैड लाइफ, स्टे होम स्टे सेफ। चलो तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, वीडियो को लाइक करना।